देवी जयंती पर भव्य और दिव्य सजा माँ विंध्यवासिनी मंदिर। माँ विंध्यवासिनी धाम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस दौरान माँ के भक्तों में खासा उत्साह भी देखने को मिला, जहाँ भव्य और दिव्य रूप से इस मंदिर को सजा दिया गया है। माँ विंध्यवासिनी का मंदिर किस तरीके से भव्य रूप से सजाया गया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहाँ भक्तों में भी खासा उत्साह इसको लेकर देखने को मिल रहा है। आकर्षण का केंद्र ये मंदिर बन चुका है, जहां भारी मात्रा में भक्त जो हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, और इसको लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से भी खासा तैयारियां की गई हैं कि किसी भी तरीके से भक्तों को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और इस मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। मिर्जापुर के माँ विंध्यवासिनी धाम में है, और आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे माँ विंध्यवासिनी जी का मंदिर है, जो भव्य और दिव्य एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। और आज माँ विंध्यवासिनी का देवी जयंती है, तो उसके उसके उपलक्ष्य में देश विदेश से कलाकार आए हैं, अपने कला का प्रस्तुत भी कर रहे हैं। तो हमारे हमारे साथ इसी कड़ी में जुड़े हैं माँ विंध्यवासिनी मंदिर से जुड़े तीर्थ पुरोहित, तो इनसे जानना भी चाहेंगे कि क्या आज कार्यक्रम है, क्या मान्यता है कि जो आज भीड़ है और अधिक, और माँ का मंदिर भी सजाया गया है। तो पंडित जी पहले अपना परिचय बताएं और क्या कार्यक्रम है यहाँ। जी, मैं शनिदेव पाठक श्री विंध्यवासिनी आराधना केंद्र का साधारण सदस्य हूँ और माँ भगवती का चरण सेवक हूँ, माता विनती प्रार्थना करता हूँ। आज क्या कार्यक्रम है पंडित जी और क्या मंदिर सजाया गया, क्या ऐसा दिन है? अखिल ब्रह्मांड नायिका त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माँ जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी का जन्मोत्सव है, और जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भादोपदी द्वितीया के दिन जन्मोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। आज माँ का दरबार यहाँ भव्य तरीके से सजाया गया, चारों आरती श्रृंगार पूजन भंडारा प्रसाद वितरण तमाम तरह के यहाँ सेवा कार्य किए जा रहे हैं, भव्य तरीके से माँ का मंदिर सजाया। पंडित जी, ये कब से होता आ रहा है, कब से ये कार्यक्रम चल रहा है? वह लगभग 50 साल से होता चला आ रहा है, उससे ऊपर ही हो गया होगा, कई पीढ़ी मतलब की दो तीसरा पीढ़ी मेरा चल रहा है, तो उसी से आप आंकड़ा लगाइए कम से कम 50-60 साल से कार्यक्रम चला रहा है। और माँ का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से, जिसमें कि पद्म विभूषण किशन महाराज गिरिजा देवी तमाम विश्वविख्यात गोविंदा भी यहाँ पे आ चुके हैं, और गोशनानंद महाराज रमन रेती आश्रम के पीठाधीश्वर हमारे संस्था के संरक्षक मंडल में है, और उनके आशीर्वाद से उनके सहयोग से यहाँ का व्यवस्था तमाम माँ के भक्तों द्वारा यह कार्यक्रम होना संभव हो पाता है। आपने देखा कि ये माँ विंध्यवासिनी मंदिर है, जो आज देवी जयंती के रूप में माँ विंध्यवासिनी मंदिर का भव्य और दिव्य सजाया गया है और उनका जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं यहाँ से माँ के भक्त भी, उनसे भी जानना चाहेंगे आज माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन भी करने आए हैं। तो पहले तो आप बताएं कहाँ से आप लोग आए हैं? हम बिहार से आए, आरा से। तो माँ का दर्शन करने आए हैं, एकदम कैसा लगा, क्या बदलाव? अच्छा लगा। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि माँ विंध्यवासिनी मंदिर है और काफी अधिक संख्या में भक्त आए हैं जो माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन भी कर रहे हैं और भव्य नजारे का भी लुत्फ उठा रहे हैं।